एक बात आप हमको सोच करके बताइए, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में किसी एक जाति या किसी एक धर्म के लोगों ने जान गंवाई है कि सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने अपनी जान गंवाई, अंग्रेजों के खिलाफ घुटना अड़ा करके लड़े, अंग्रेजों को देश से भगाया, देश को आजाद कराया, तब ये जाकर के आजादी मिली। अगर आजादी के आंदोलन में राम प्रसाद बिस्मिल शहीद हुए तो अशफाकुल्ला खान भी तो शहीद हुए। देश को बनाने में यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका है तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की भी तो भूमिका है। ये तो हमारी संस्कृति है, ये संस्कृति आज खतरे में है। और जो आजादी आपको मिली वो आजादी आज खतरे में, इस बात को हमको समझना चाहिए। कहते हैं ना, संविधान ने हमको एक अधिकार दिया, मंदिर जाने वाले को भी एक वोट और मस्जिद जाने वाले को भी एक वोट, और जो मंदिर ना जाता हो मस्जिद ना जाता हो उसको भी एक वोट। मोटका आदमी का भी वोट एक और पतरका आदमी का भी वोट एक। अरे घर में आप जनाना मर्दाना कर लीजिए लेकिन वोटिंग मशीन पर जनाना मर्दाना नहीं होता है। अमीर का वोट भी एक और गरीब का वोट भी एक। ये जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, ये अधिकार आज हमसे छीना जा रहा है। हम जिसके साथ खड़ा होना चाहते हैं, हम जिसको जिताना चाहते हैं, पता नहीं कैसे वो हार जाता है, और जिसको हराना चाहते हैं पता नहीं कैसे वो जीत जाता है। तो हमको समझना पड़ेगा, आज जब हम आपके बीच आए हैं तो एक स्पष्ट संदेशा लेकर के आए हैं। स्पष्ट संदेशा ये है कि आप दुनिया को देख लीजिए, जहां कहीं भी किसी मुल्क में कोई तानाशाह जब गद्दी पर बैठता है तो वो पहला काम ये करता है कि जनता के अधिकारों को छीन लेता है। और जनता के अधिकारों को छीनने की कोशिश आज अलग अलग नाम पे किया जा रहा है। अभी मैं महाराष्ट्र से आया हूं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, और वहां पर मुद्दा क्या है, मुद्दा है 370। मर रहे हैं किसान खेतों में, उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं सीमा पर, जवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, महिलाएं घरों में सुरक्षित नहीं है, लगातार अपराध बढ़ रहा है, गरीब की जो दिन ब दिन समस्याएं हैं उसमें वो जूझता जा रहा है। एक गरीब पेट काट करके अपने बच्चे को पढ़ाता है इस उम्मीद में कि उसके बच्चे को अच्छा काम मिलेगा और हम कच्चा मकान से पक्के मकान में पहुंच जाएंगे, तो हम 10 कमरे के मकान में पहुंच जाएंगे। साइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल खरीद लेंगे, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो कार खरीद लेंगे, यही लोग सपना देखता है। लेकिन जीवन कितना कठिन होता जा रहा है, जीवन इतना कठिन है कि हर छोटी छोटी चीज को पूरा करने के लिए इंसान को जद्दोजहद करना पड़ता है। यदि कोई बीमार हो जाए तो उस बीमार को इलाज कराने में जो घर के दूसरे लोग हैं वो भी बीमार हो जाए।